गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग वोवेल साउंड आई पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि मैं आप सबको पहले भी बता चुकी हूँ कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हर लेटर का एक नाम होता है, उसी तरह आई का नाम हर से ही है, जिसको ई पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। स्वर आई, स्वर मतलब वोवेल, ठीक है। वोवेल आई को व्यंजन, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, ठीक है, से जोड़ने पर बनने वाली आवाज़, ठीक है। अब हम लोग वोवेल आई को व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट के साथ जोड़ के उससे बनने वाली आवाज़ को देखेंगे, ठीक है। और हमारे पास स्वर कितने हैं ये तो आप सबको पता ही है कि हमारे पास स्वरों की संख्या 5 है, ठीक है, ए ई आई ओ यू। और इसके अलावा जो 21 लेटर्स बचते हैं उसे हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब इधर देखते हैं, बी डी एफ के डब्लू, ये हमारे पास कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और ये आई जो है ये वोवेल है। तो अब हम लोग कॉन्सोनेंट को आई के साथ मतलब वोवेल के साथ जोड़ के बनने वाली आवाज़ को देखेंगे, ठीक है। बी, बी का उच्चारण, तब नाम जो है बी का नाम ब है, ठीक है। ब को आई से जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये बी बन जाएगा, ठीक है। और डी, ड, ड को आई से जोड़ेंगे तो डी, ठीक है। एफ का फ होता है, फ को आई के साथ जोड़ेंगे फी। क का नाम क होता है, क को आई से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा की। डब्लू का नाम व होता है, व को आई के साथ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा वी। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तीन अक्षर के शब्द जिसमें स्वर आई आता है, ठीक है, तीन अक्षर वाले शब्द जिसे हम लोग वर्ड कहेंगे, ठीक है, जिसमें वोवेल आई आता है, ये है बीन, बी आई एन, बीन। बीन मीन्स कचड़े का डब्बा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा, यहाँ पे जो बी आई है, बी आई को हमने यहाँ पे देखा है, बी आई जो है ये बन गया बी, ठीक है। और बी आई में जब हमने एन को जोड़ा तो ये बीन बन गया, और बीन मीन्स कचरे का डब्बा होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे डिग, डी आई जी, डिग, डी आई का नाम हो गया डी, और इसमें हम लोग जी, जी का नाम ग होता है, ग को जोड़ दिए तो ये बन गया डिग, डिग मीन्स खोदना। फिग, एफ आई जी, फिग मीन्स अंजीर, एफ आई का नाम फी, जी का नाम ग, फिग, फिग मीन्स अंजीर। किड, के आई का नाम की और डी का ड, किड, किड मीन्स बच्चा। डब्लू आई जी, विग, विग मीन्स नकली बाल, बाल, ठीक है। डब्लू आई का आवाज़ वी और जी का आवाज़ ग, तो ये बन गया विग, विग मीन्स नकली बाल। लीड, एल आई की आवाज़ ली और डी की आवाज़ ड, लीड, लीड मीन्स ढक्कन। फिन, एफ आई की आवाज़ फी, एन की आवाज़ न, फिन, फिन मीन्स मछली का पर, मछली का जो पंख होता है उसे इंग्लिश में हम लोग फिन कहते हैं, पर जिसके सहारे वो चलती है, थैंक यू, सॉरी, तैरती है, मछली जिसके सहारे तैरती है उसे फिन कहते हैं, ठीक है, पर।